नमस्कार। बिहार में इन दिनों अजीबोगरीब एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। खबर अरवल जिला से है। अरवल जिला में एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि 40 महिलाओं का एक ही पति है। दरअसल मामला क्या है, इस मामले को समझने के लिए पूरी खबर को हम समझते हैं। दरअसल मामला यह है कि एक अरवल जिला की खबर निकल कर आती है जिसमें 40 महिलाओं का एक ही पति होने का दावा किया जाता है। दरअसल यह दावा कैसा है, दरअसल जातीय जनगणना का दौर अभी दूसरे चरण के लिए बिहार में चल रही है। पता चला कि 40 महिलाओं ने एक ही नाम के व्यक्ति को अपना पति के रूप में नामांकन किया है या नाम बताया है। दरअसल यह मामला जनगणना कर रहे अधिकारियों ने बताया है कि अरवल जिला में रेड लाइट इलाका पड़ता है वार्ड नंबर 7, जो कि एक ही पति को 40 महिलाओं ने स्वीकार किया है। जब अधिकारी जनगणना कर रहे थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही चीज को बताया है। दरअसल अधिकारी का कहना यह भी है कि जब हमने उनके बच्चों से बातचीत किया तो उन्होंने बच्चों ने अपने पिता के रूप में एक ही व्यक्ति का नाम लिया है जिसका नाम रूपचंद है। रूपचंद यानी रूपचंद व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 40 महिलाओं का एक ही पति है और शायद रेड लाइट इलाका है। रेड लाइट इलाका जहां नाच गाना कर अवन जीवन यापन करती हैं। दरअसल अरवल से है, अरवल की रेड लाइट इलाका है, छोटी सी एक रेड लाइट इलाका है जो कि वार्ड नंबर 7 में पड़ती है और वहीं से जीवन यापन यानी नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती है। इनकी कोई अस्थायी पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब जातीय जनगणना का दूसरा दौर चल रहा था उसमें खुलासा हुआ कि 40 महिलाओं ने अपने पति के नाम में रूपचंद का नाम दिया है और उनसे बच्चों से भी पूछताछ किया गया तो उनके बच्चे भी रूपचंद को ही अपने पिता बताया है। जाहिर सी बात है यह खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है और देखे तो यह जो है आज तक के यानी जो बिहार तक होते हैं उन पे एक फेसबुक पेज पे पोस्ट किया गया है। सोर्स पूरी तरीके से बिहार तक का है। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।